की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पहले जनता ने चुनाव में नकारा तो सबसे पहले राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद तो मानो कांग्रेस कोमा में चली गई हो। 45 दिन बीत गए हैं लेकिन कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पा रही कि अब पार्टी कौन चलाएगा। इस समस्या पर तो कांग्रेस ने अभी ठीक से सोचना भी नहीं शुरू किया था कि कर्नाटक का नाटक शुरू हो गया। कर्नाटक को संभालते ही गोवा में भागम भाग मच गई। गोवा कांग्रेस में 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में ठनी हुई है तो राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ किसी तरह बैठकी वाली सरकार बचाए हुए हैं लेकिन कब तक बचा पाएंगे किसी को पता नहीं है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज माना कि कांग्रेस सबसे मुश्किल दौर से इस समय गुजर रही है। सिंधिया साहब ने कहा कि कांग्रेस को ऊर्जावान नेता की जरूरत है और इस पर फैसला जल्द लेना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए 2019 किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्या आईसीयू में सांसें गिन रही कांग्रेस पार्टी को फिर संजीवनी मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार देख तमाशा कांग्रेस का। कलह कर्नाटक की, कोहराम कोलकाता तक। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों का शिकार कर रही है, जबकि बीजेपी का जवाब है कि अपना घर संभल नहीं रहा तो इल्जाम दूसरों पर धरते हैं। उनको पार्टी संभल नहीं रही है और बेवजह बीजेपी को इसमें घसीटा जा रहा है। कर्नाटक का नाटक अभी चल ही रहा था कि गोवा के कांग्रेस विधायकों ने गजब ढा दिया। दो तिहाई विधायक बीजेपी की गोद में जा बैठे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उन्हें लेकर बड़े नेताओं से मिलाने दिल्ली भी चले आए। इस भागम भाग से हैरान कांग्रेसियों के पास अपने बचाव का एक ही रास्ता है, इल्जाम इल्जाम और इल्जाम। बीजेपी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू सी दैट कांग्रेस सफर्स। दे हैव डन दिस इन कर्नाटका एंड नाउ दे आर डूइंग इट इन गोवा। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जैसे लकवा ही मार गया है। 1.5 महीने गुजर गए लेकिन अब तक अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भी अपने लिए पार्टी के सर्वोच्च पद की संभावना तलाश रहे हैं। इसका इशारा उनके भोपाल दौरे पर मिला जहाँ सड़कें उनके पोस्टर से पटी थी। इन 17 सालों में कभी भी सत्ता या कुर्सी की दौड़ में नहीं रहा हूँ। तो अभी वर्तमान की एक वातावरण है कांग्रेस के लिए जो बड़ा गंभीर वातावरण है। समय नहीं है एक एक कांग्रेस जन को अपने एजेंडा चलाने का। दरअसल कांग्रेस में भगदड़ मची है। जहाज डूबता देख सवार कूद कूद कर किनारा पकड़ रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन किया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देख तमाशा कांग्रेस का। और अब विश्लेषण सुनिए कांग्रेस के पतन का विश्लेषण। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा, राजस्थान में भी झगड़ा। इस झगड़े में तो मोदी जी कहीं नहीं है, नरेंद्र मोदी बीजेपी कहीं नहीं है, आरएसएस कहीं नहीं है। एमपी में बैसाखी पर कांग्रेस मकर गुटबंदी पूरी है। 3 गुट बने हुए हैं। नाम लेना मुझे लगता है कि समय व्यर्थ करना होगा। हम सब जानते हैं वो गुट किसके हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को चाहिए राहुल से ऊर्जावान अध्यक्ष। तो मतलब चौकीदार चोर है से ज्यादा की ऊर्जा वाला अध्यक्ष चाहिए। क्या चाहते हैं सिंधिया साहब वही जाने। उसके बाद सबका निचोड़ यह है अपनी पार्टी संभल नहीं रही है, ठीकरा दूसरों के सिर है। मैंने 3 पॉइंट्स के अंदर कांग्रेस का आपको बखान कर दिया। इसमें आप बोलेंगे कर्नाटक और गोवा आपने मिस कर दिया, क्योंकि कर्नाटक और गोवा चुनाव के बाद हुआ है इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं करा। कांग्रेस या ये ना बोले ये विश्लेषण एक तरफा है। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ पैनल है बात करने के लिए। मेरे साथ चेतन सिंह है जो कि कांग्रेस के स्ट्रांग सपोर्टर है, उनका स्वागत है। मेरे साथ राशिद किदवई है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद, राजनीतिक विश्लेषक है
और इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध का सबसे पहले बिगुल बचाया था। डॉक्टर संबित पात्रा भी मेरे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिना लाग लपेट के इस बहस को मैं ओपन करता हूं। आचार्य जी, आज शुरुआत आपसे करते हैं। अपना एजेंडा चलाने का वक्त नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी में एजेंडा चला कौन कौन रहा है? देखिए आमिश देवगन जी, जब कोई भी पार्टी चुनाव में हार जाती है तो वहाँ उसमें चिंतन मंथन मनन होता भी है, होना भी चाहिए। कांग्रेस माफी चाहते हुए आचार्य जी आपको एक सेकंड के लिए रुकूंगा। हारने की बात की कहानी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये हारने से पहले की मैंने बात, इसलिए मैंने विश्लेषण के अंदर पंजाब कांग्रेस में झगड़ा, मध्य प्रदेश कांग्रेस में झगड़ा, राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा, उसकी बात करी। देखिए कहाँ क्या झगड़ा है, मुझे लगता है कि मतभेद हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में अपने लोगों को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे झगड़ा नहीं कहना चाहिए। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनका भी हक था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत जी को बना दिया। बनने के बाद में सचिन पायलट जी ने खुद कहा कि भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो सीनियर हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए और साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर देख कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चीफ मिनिस्टर बनने के दावेदार थे और कमलनाथ जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया, प्रधानमंडल ने चुना। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कोई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी का ये हारने से पहले ही तो हाल ये था। देखिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर एक सवाल खड़ा है। दो पॉइंट बोलता हूँ, आज आप ही से साक्षात्कार करते हैं शुरू के 4-5 मिनट। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि राहुल की किसी ने सुनी नहीं, राहुल जब चौकीदार चोर है कह रहे थे, बाकी कोई बोला नहीं। राहुल गांधी ने बोला कि मेरी कोई सुनता नहीं है इसलिए मुझे इस्तीफा देना है। जिस व्यक्ति की पार्टी में कोई नहीं सुन रहा, उसके नारे को कोई नहीं चुन रहा, तो जनता कैसे चुन लेती, आप मुझे बताइए ना। देखिए एक बात तो साफ कर देनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने ना तो राजनीति छोड़ी है ना कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने अपनी पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता को छोड़ने